हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक कुमार फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर को जोड़ना पढ़ा था। कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे, कैपेसिटर क्या होता है, किस तरह से इसे संयोजित करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में, उनके बीच विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उनके बीच की धारिता कितनी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम आज अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। समांतर पट्टिका संधारित्र में पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, समांतर पट्टिका संधारित्र में पट्टिकाओं के बीच का विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो सबसे पहले फिगर देख लीजिए। मान लेते हैं ये एक संधारित्र बना लेते हैं और संधारित्र के बीच में क्या भरा होता है, हवा या निर्वात या कोई कुचालक पदार्थ। तो एक ये दोनों समांतर क्रम संयोजित हो गया, इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज। यानी कि एक दूसरे पे संधारित्र पे यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे पे हैं, इनके बीच में क्या होगा, हवा या निर्वात, इसके बीच में विद्युत क्षेत्र। अब देखिए हमें ज्ञात करना है इन दोनों प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। बिंदु का नाम दे देते हैं पी। दोनों प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा इसका। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, माना कि संधारित्र पर, माना संधारित्र पर आवेश आवेश Q है। संधारित्र पर आवेश क्या है, दोनों में Q है। समांतर पट्टिका संधारित्र में, अब देखिए इन पट्टिकाओं के बीच का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए। अचालक क्षेत्रफल क्या हो गया, ए। तो क्या लिखेंगे, संधारित्र में पट्टिकाओं के चालक क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ए है। अब देखिए यहाँ पे इनके बीच का यानी कि क्षेत्रफल कितना हो गया, ए हो गया। तो अब बताइए कि आवेश पर यानी कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो क्या हो जाएगा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए शुरू में पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र में आप लोगों को, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। इन दोनों का यानी कि समांतर यानी पृष्ठीय घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, जो कि पिछले क्लास में बताए थे। तो ये हो गया सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। अब लिखेंगे हम इन दोनों के कारण यानी पहले इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, फिर इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो लिख लेंगे संग्राहक प्लस चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, संग्राहक पट्टी के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू E प्लस चार्ज के कारण क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद कीजिए गॉस के नियम से पढ़ाए थे पट्टी पे यानी कि समतल प्लेट पर, समतल चादर पर क्या आया था, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे एक प्लेट के कारण क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए किसके कारण, अब इस पट्टी के कारण निकल गया, इसके कारण निकाल लेंगे संगणक पट्टी के कारण
इसी कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तो क्या हो जाए, क्या लिखेंगे, संगणक पट्टी के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E is equal to sigma by 2 epsilon naught, किसके कारण, माइनस चार्ज के कारण। अब इन दोनों के कारण इस बिंदु पर क्या हो जाए, क्या लिखेंगे, अतः परिणामी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E is equal to total E हो गया, यहाँ पे देखिए E is equal to E यानी कि सिग्मा by 2 epsilon naught इसके कारण जो हुआ प्लस सिग्मा by 2 epsilon naught दोनों के कारण लिख देंगे। अब उसके बाद क्या हो जाए, E is equal to सिग्मा 2 epsilon naught into 2 ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, तो क्या हो जाएगा ये सिग्मा प्लस सिग्मा इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल 2 से 2। अब देखिए ई इज इक्वल टू क्या फार्मूला आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान क्या रखे हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो क्या क्यू बाय ए, तो क्या हो जाएगा सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पे क्या रखे हैं क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, तो फॉर्मूला क्या बन जाए E is equal to ये कहां से आया लिख देंगे चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, तो फॉर्मूला क्या बन जाए E is equal to क्यू बाय ए इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो किसके कारण, समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच का विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा E is equal to क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं हम लोग वायु में समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता ज्ञात करें, वायु में संधारित्र पट्टी की संधारित्र, तो यानी कि देख लीजिए यहाँ फिगर से ये एक संधारित्र है जिसपे कौन सा चार्ज प्लस चार्ज, और ये कौन सा चार्ज क्या हो जाएगा संधारित्र माइनस चार्ज प्लस क्यू आवेश, और ये माइनस क्यू आवेश का एक दो संधारित्र यानी कि एक संधारित्र बना दिया गया है, और इस पे कौन सा चार्ज प्लस चार्ज है इससे माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल क्या है, तो बीच का क्षेत्रफल हो जाएगा ए, इनके बीच का क्षेत्रफल ए, इनके बीच का क्षेत्रफल ए हो गया, और यानी कि इस पे आवेश कितना है क्यू, तो इनके बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं डी मान लेते हैं, बीच की दूरी कितना है ये डी है, इनके बीच का विभवांतर क्या हो गया ये एम प्लेट ये एन प्लेट, तो बीच का विभवांतर क्या होगा वी एन माइनस वी एन। तो चलिए इसी चीज को हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, माना एम एन एक संधारित्र है, एक कौन सा संधारित्र समांतर क्रम, यानी लिख दें एक समांतर एक समांतर संधारित्र है, समांतर संधारित्र है जिनमें पट्टिकाओं के दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी क्या है डी है, जिनमें दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी क्या हो गया, क्या माने हम बीच की दूरी d है, इनके बीच का क्षेत्रफल क्या माने हैं a माने हैं, तो क्या लिखें तथा पट्टिकाओं के आच्छादक सतह का क्षेत्रफल क्या है यहाँ पे a है, यानी इनके बीच का क्षेत्रफल क्या है ए है, और इनके बीच में क्या भरा हुआ हवा यानी बल, दोनों पट्टिकाओं के बीच हवा या निर्वात है,
अब देखिए यहां पे ये सारा चीज हो गया। अब क्या लिखेंगे, संधारित्र पर आवेश कितना है यहां पे q, तो लिखिएगा संधारित्र पर आवेश इज इक्वल टू, तो टोटल आवेश क्या है q, तो लिख दिए q। अब जो जो चीज दिया हुआ उसको नोट कर लेते हैं, इसके बीच का यानी कि आवेश कितना हो गया q हो गया, उसके बाद संधारित्र के आच्छादक सतह का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू a, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है a, पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर क्या है लिख दीजिए, पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर, के बीच का विभवांतर Vm माइनस Vn, बीच का विभवांतर क्या है यहाँ पे Vm माइनस Vn। अब क्या लिखेंगे, संधारित्र की धारिता की परिभाषा से क्या था परिभाषा, C इज इक्वल टू Q बाय V, तो क्या लिख सकते हैं V के जगह पे Q बाय Vm माइनस Vn, ये इक्वेशन क्या मान लेते हैं इसको 1। अब देखिए पट्टिकाओं के बीच का विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जस्ट पीछे निकाले हैं, तो क्या लिखेंगे पट्टिकाओं के बीच का विद्युत क्षेत्र बराबर फॉर्मूला क्या था, विद्युत क्षेत्र बराबर E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी पट्टिकाओं के बीच का विद्युत क्षेत्र क्या आया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर, के बीच का विभवांतर। अब याद कीजिए, बताए थे आप लोगों को पट्टिकाओं के बीच का संबंध, यानी विद्युत क्षेत्र में संधारित्र की गणना उसके बीच संबंध, तो क्या आया था Vm माइनस Vn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंटू dr इंटू dr, लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर यानी m से, ये n से कहां तक जाएगा, m तक, तो ये हो गया इसके बीच का विभवांतर। अब यहां पे देखिए Vm माइनस Vn इज इक्वल टू लिमिट कहां से r, हमको ये दूरी ज्ञात करना है, 0 से लेके कहां तक जाएगा, ये 0 से d तक, तो ये हो गया इंटीग्रेट E इंटू dr cos थीटा और लिमिट 0 से r, 0 से r तक जाएगा, या 0 से इसको मान लेते हैं d तक जाएगा, ये कितना जाएगा, ये 0 से d, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या माने d माने 0 से d। तो अब देखिए यहां पे इंटीग्रेशन E dr cos थीटा Vm माइनस Vn इज इक्वल टू E dr cos थीटा, cos थीटा कितना डिग्री माइनस, तो cos थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, हमें बल विद्युत क्षेत्र इस दिशा में बल क्या लगाना है इधर, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस E dr cos कितना डिग्री 180 डिग्री, cos 180 डिग्री 0 से d, Vm माइनस Vn इज इक्वल टू लिमिट 0 से d E into dr cos 180 डिग्री का मान माइनस 1, माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो Vm माइनस Vn इज इक्वल टू माइनस माइनस, यानी कि हो जाएगा इंटीग्रेशन E इंटू डी आर लिमिट 0 से d तक। अब देखिए यहाँ पे E क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा Vm माइनस Vn इज इक्वल टू Vm माइनस Vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन E बाहर हो गया इंटीग्रेशन dr लिमिट 0 से d तक, तो Vm माइनस Vn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d का मान 1, तो ये क्या बचेगा r लिमिट 0 से d, तो Vm माइनस Vn इज इक्वल टू क्या होगा E इनटू अपर लिमिट d माइनस 0 लोअर लिमिट, तो Vm माइनस Vn इज इक्वल टू E इनटू d,
क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वी एम माइनस वी एन इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन में आप लिख दीजिए इसको, चलिए एक बार पीछे से इसको शुरू से समझा देते हैं आप लोगों को। इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या है, वी एम माइनस वी एन, इसके संधारित्र आवेश क्या है, क्यू है, और इसके चार्ज कितना है, प्लस चार्ज। इसके बीच का विभवांतर क्या होगा, वी एम माइनस वी एन। संधारित्र की धारिता की परिभाषा से सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू वी एम माइनस वी एन, विभवांतर क्या है, वी एम माइनस वी एन। पट्टिकाओं के बीच का विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर के फॉर्मूला से क्या होता है, वी एम माइनस वी एन क्रॉस इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन E इंटू डी आर। ये आप लोगों को पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र की गणना यानी विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की गणना में। तो क्या फॉर्मूला आया था, वी एम माइनस वी एन इज इक्वल टू माइनस E इंटू डी आर माइनस E इंटू डी आर। तो ये माइनस E इंटू डी आर हो गया, यानी कि अब यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ, हमको डिस्टेंस निकालना है इनके बीच का, तो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, जीरो से डी तक, यानी इनके एम और एन के बीच का डिस्टेंस क्या है, जीरो से लेके डी तक। तो वी एम माइनस वी एन इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर कॉस थीटा, लिमिट जीरो से डी, कॉस थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, हमको दूरी इधर जाना है, विद्युत क्षेत्र इधर, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ई क्या हो गया, ई डी आर कॉस कितना डिग्री, 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का मान माइनस वन, लिमिट कहाँ, जीरो से डी तक, इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर माइनस माइनस प्लस। तो ये बचन, अब देखिए यहाँ पे वी एम माइनस वी एन इज इक्वल टू ई क्या है, कॉन्स्टेंट, विद्युत क्षेत्र कॉन्स्टेंट, उसको बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, वी आर इंटीग्रेशन डी का मान वन, तो क्या बचेगा आर, लिमिट जीरो से डी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बचेगा वी एम माइनस वी एन इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब क्या लिखिएगा, इक्वेशन वन में वी एम माइनस वी एन का मान रखने पर, का मान रखने पर, तो रख दीजिए इक्वेशन वन ये है सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी एम माइनस वी एन, इसका मान रखते हैं सी इज इक्वल टू क्यू, वी एम माइनस वी एन का मान क्या है, ई इंटू डी, क्या है, ई इंटू डी, लिख दिए ई इंटू डी। अब देखिए यहां पे C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, Q बाई E इंटू डी। Q क्या है, Q आवेश, अगर पूछेंगे, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र, D क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस है। तो यहां पे एक चीज देखिए, Q by E, अब देखिए C is equal to क्या लिख सकते हैं, Q, E बराबर फॉर्मूला क्या आया था, E बराबर सिग्मा by epsilon नॉट, तो हम E के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा by epsilon नॉट, सिग्मा by epsilon नॉट into D लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया, E is equal to सिग्मा by epsilon नॉट, यहाँ से C is equal to, ध्यान से देखिए Q by, हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बचेगा, सिग्मा इनटू डी। तो सी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा इनटू डी। सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठीय घनत्व बराबर, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इनटू ई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्यू बाय ए, क्यू बाय ए इनटू D, Q से Q कैंसिल, कहां से आया ये, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A, तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इनटू एप्सिलॉन नॉट बाय D, A इनटू एप्सिलॉन नॉट बाय D, यानी इसकी धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इनटू एप्सिलॉन नॉट बाय D, जहां C क्या है, धारिता, जहां C क्या है, धारिता, A क्या है, आच्छादक सतह का क्षेत्रफल, लिख देते हैं यहां पे, जहां
ए इक्वल टू आच्छादक सतह का क्षेत्रफल, डी क्या है संधारित्र के बीच की दूरी, बीच की दूरी और एप्सिलॉन नॉट आप लोगों को पता है क्या है, ये एक कांस्टेंट नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं हवा या निर्वात का प्रवाहित या उसके माध्यम का। तो यहाँ पे C इक्वल टू A इनटू एप्सिलॉन नॉट बाय D, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज फॉर्मूला क्या है, C is equal to epsilon naught into A by D, यानी कि दोनों पट्टिकाओं के बीच का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके C के धारिता के समानुपाती होगा। धारिता क्या होगा, समानुपाती होगा, और उनके बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके दूरी के। तो इसी चीज को हम नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र की, समांतर पट्टिका संधारित्र, संधारित्र की आच्छादक सतह का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल धारिता के समानुपाती, समानुपाती होता है, अर्थात C समानुपाती क्या हो जाएगा A, अर्थात C समानुपाती A। अब इसी को हम लिख सकते हैं, और पट्टिकाओं के नोट नंबर टू में क्या लिखेंगे, पट्टिकाओं के बीच की दूरी, पट्टिकाओं के बीच की दूरी के बीच की, पट्टिकाओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्या हो जाएगा C व्युत्क्रमानुपाती D, यानी इनके बीच की दूरी का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है पट्टिकाओं, और ये जो होता है ये क्या होता है पट्टिकाओं के बीच के माध्यम पर निर्भर। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, नोट नंबर थ्री में पट्टिकाओं के बीच के माध्यम पर, अब देखिए यहाँ पे इनके पट्टिकाओं के बीच के माध्यम पर क्या होता है, अगर हम मान लीजिए ये दो पट्टिका इनके बीच हवा या निर्वात है तो दूरी क्या होगा कम लगेगा, अगर इसी के बीच में कोई कुचालक पदार्थ होगा तो ये क्या हो जाए ज्यादा, तो इनके पट्टिकाओं के बीच के माध्यम पर क्या करता है ये निर्भर करता है, पट्टिकाओं के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, यानी धारिता जो है वो पट्टिकाओं के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। चलिए हो गया नोट नंबर थ्री, यहां तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए आज यहां तक इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा इसको।